सुन लो फिर आपको समझ में आएगा। मैं यील्ड नहीं करने वाला, मैं आपके दबाव में नहीं आने वाला, आप मेरे आवाज को बंद नहीं कर सकते संसद के अंदर। जो मुझे कहना है आपको सुनना ही होगा। सम्मान पूर्वक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सम्मान पूर्वक। आप मुझसे बुजुर्ग हैं, मैं सम्मान पूर्वक आपसे निवेदन। प्लीज क्या अब आप फिर उठ गए? आप उठे रहिए, आप बैठिएगा मत। विदुरी सुन लीजिए, अपने जवाब में आप जवाब दे दीजिए, जो भी देना। असहिष्णुता का परिचय मत दो, सुन लो बाबा। नारायण स्वामी जी ने जो पत्र लिखा इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का उल्लेख है। जाइए जाइए, मत सुनिए जवाब, क्योंकि आपकी इच्छा जवाब सुनने की थी ही नहीं, नियत में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं आज। जवाब सुनिए सिंधिया साहब, मुझसे आपने कहा ना कि बैठो बैठो सुनो, अब सुनने की बारी आपकी है, सुनिए। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी और मुझे आज सूली पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेठी लड़ने की ये सजा देंगे मुझे, तो सुनिए आज मेरा जवाब। अतिशयोक्ति नहीं कहूं होगा अगर मैं कहूं कि अनुचित दखलंदाजी उसमें की है। हमारे मंत्री दत्तात्रेय साहब ने क्या कहा अपनी चिट्ठी में रोहित के बारे में, एंड आई कोट, कास्टियस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, एंटी नेशनल। व्हाट इज एंटी नेशनल? एक नौजवान छात्र के बारे में। और उसके बाद मैडम, और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हमारी मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी जी, 4 महीनों में 5 चिट्ठियां लिखी गई, जल्द से जल्द तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का यूट है सुन लीजिए। सुनने की क्षमता रखो भैया, सुनने की क्षमता रखो, अपनी असहिष्णुता का परिचय मत दो। कई लोगों ने आरोप लगाया और कहा किस अधिकार के साथ तुम चिट्ठियां लिखती हो। I am coming to the issue, sir. Have patience. You accuse us of intolerance. Be tolerant. Suna. Hear my answer, sir. I am giving my answer. Or do I claim to be a victim of my circumstances and say that I am married to a micro-minority family? I am a woman, hence you disallow me to speak in this house. Do not, sir, play your politics with me. Let me give you an answer today. That I have patiently waited for days to give. दो प्रोफेसर के द्वारा कि क्या वो कोटा से आया था, आरक्षित कोटा से आया था या साधारण कोटा से आया था। और ये पहली घटना नहीं है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। पिछले 6 सालों में 3 दलितों ने अत्याचार किया था, आत्महत्या किया था। सुन लीजिए, बैठी है ना, 3 न्यायिक जांच बैठाई गई थी और उस समय कहा गया था कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी दलितों के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसके बावजूद हमारी मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी जी टीवी पे जाती हैं और कहती हैं, आई कोट, दैट दिस इज नॉट ए दलित वर्सेस नॉन दलित इशू, अनकोट। कोई कामना हम करें, आशा करें, कोई एक्शन लिया जाए वो तो अलग, लेकिन सरकार ने इस घटना से पूरा अपना पल्ला झाड़ दिया। तो जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं भी आरोप लगा सकती थी। एक बच्चे की मृत्यु होती है और उस मृत्यु के ऊपर राजनीतिक द्वंद होता है, लेकिन देश का ये जानता है कि जिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बैठकर ये निर्णय लिया कि रोहित को बर्खास्त किया जाए, उस काउंसिल के एक भी मेंबर को एनडीए की इस सरकार ने अपॉइंट नहीं किया, यूपीए की सरकार ने अपॉइंट किया था। हमने अपॉइंट नहीं किया, फिर भी उस कमिटी ने, यह देखते हुए कि हमारे मध्य में कोई दलित फैकल्टी मेंबर नहीं है, दलित फैकल्टी मेंबर को कोऑप्ट किया। चीफ वार्डन वो स्वयं दलित हैं, उन्होंने बच्चों को समझाया और अपने निर्णय को उन तक पहुंचाया। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा जवाब अब पूरा होने दीजिए प्लीज। इसमें
प्लीज टेक योर सीट नाउ। आज मैं कहना चाहती हूँ मैडम, डोंट आंसर। जब इस घटना के बारे में मैंने सार्वजनिक बयान दिया, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, तब मैंने कहा ओनली मिनिस्टर कि इसको जाति की नजर से मत देखो। मैंने एक बच्चे की बात की, एक दलित छात्र की बात नहीं की। मैं चुनौती देती हूं कोई भी मुझे उंगली उठाकर कहे कि मैंने जाति के आधार पर न्याय करने का या अन्याय करने का दुस्साहस किया। हमारी मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी जी, चार महीनों में 5 चिट्ठियां लिखी गई, जल्द से जल्द तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं विवश हूं पूछने के लिए सदन में, क्या बाबा साहब अम्बेडकर के राह में चलना राष्ट्रद्रोह का राह है? इस प्रश्न का उत्तर हमें इस संसद में देना होगा। पूरे प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया गया ताकि संघ परिवार की नीति और कार्यक्रम सफल हो पाए, और असलियत यह है कि कुछ छात्रों के खिलाफ पूरा भारत सरकार का पहाड़ टूट पड़ा। हमने कभी भी इतिहास में किसी भी विश्वविद्यालय में ही देखा है कि भारत सरकार का इतना हस्तक्षेप हो एक विश्वविद्यालय के कार्यप्रणाली के आधार पर। मुझसे कहा गया कि इस अधिकार के साथ आप जवाब देती हैं। मेरे पास पत्र, प्लीज प्लीज, सांसद के भी कई आए हैं। यू ऑल्सो ऑल ऑफ यू वी हैव टेकन हनुमंत राव जी, प्लीज लिसन, यू विल हैव टू। मेरी पार्टी के सांसद नहीं है, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं हनुमंत राव जी, मेरी पार्टी के सांसद नहीं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा और कहा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में न्याय की जरूरत है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये बात हमें सुनिश्चित करना होगा, जो कन्हैया जो जिसने कहा और उसके बिना सबूत उसे अरेस्ट किया गया, वीडियो जो दिखाया गया है जिसमें छेड़छाड़ की गई है, और उस रिपोर्टर जी न्यूज के उसने स्वयं इस्तीफा दिया है विश्व दीपक, और उसने स्वयं कहा है, आई कोट, द वीडियो विच हैड नो पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगन इन इट, वी प्लेड इट रिपीटेडली टू स्प्रेड मैडनेस, हाउ डिड वी एस्टैब्लिश दैट कन्हैया एंड हिज एसोसिएट्स वर चांटिंग स्लोगन्स व्हेन ऑल वी हर्ड वर वॉइसेस कमिंग फ्रॉम द डार्कनेस। Our biases made us here भारतीय कोर्ट जिंदाबाद as पाकिस्तान जिंदाबाद अनकोट। तो जिस व्यक्ति के विरोध कोई सबूत नहीं उसको आपने राष्ट्रद्रोह में अरेस्ट कर दिया। This, Madam Speaker, is the permission slip from JNU, which clearly says that Umar Khalid, one student, wanted to book the venue from 5 o'clock to 7:30 for the 9th. The form asks, what is the purpose of booking the venue? He says, poetry reading. The form asks whether any special arrangements are required. He says, electricity for mic. And very well, the university gives him the permission. What transpires later is something many people have question marked. Arey, ye jhoota hai, wo jhoota hai. तारिक अनवर साहब थे, उन्होंने कहा पहले यूनिवर्सिटी को तो अपनी तहकीकात करने दो, फिर पुलिस को आने दो। यूनिवर्सिटी के सुरक्षा विभाग का ये ब्यौरा है मैडम स्पीकर, 11/2/2016 का, जिसमें 35 सुरक्षा कर्मी, 3 महिला गार्ड सिग्नेचर्स के साथ अपना बयान देते हैं। कहते हैं कि 16:45 सुरक्षा टीम मौका वारदात पर पहुंची, 35 और 3, 38 पीपल, दे हैव गिवन अ रिटन रिस्पॉन्स, दे आर अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, नॉट द पुलिस, एंड दे से भीड़ बढ़ने लगी, छात्र उमर अनिर्बान वहीं खड़े रहे, अफजल गुरु मकबूल भट्ट जिंदाबाद, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, हम क्या मांगे आजादी, बंदूक से लेंगे आजादी, गो इंडिया गो बैक, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद। 2-3 और लोग थे, मुंह पर कपड़ा लगाए,
ये कोई वीडियो नहीं है, ये कोई पुलिस नहीं है, ये कोई अर्नब गोस्वामी नहीं है, ये सुरक्षा विभाग का, जो सरकार से कोई सरोकार नहीं रखती, उनका ये ब्यौरा है। और ये भी मैं कहूं अध्यक्षा महोदय कि सरकार की जेएनयू के प्रति ये व्यवहार केवल 9 फरवरी के नारों के आधार पर नहीं है। ये सरकार चाहती है कि इस संस्था की आवाज को बंद किया जाए। क्यों? क्योंकि जेएनयू के छात्रों ने भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाया था, जेएनयू के छात्रों ने दादरी का मुद्दा उठाया था, जेएनयू के छात्र ने यूजीसी के भवन में बजट के आवंटन की कटौती का मामला उठाया था, और जेएनयू के छात्रों ने रोहित वेमुला का मुद्दा उठाया था, इसलिए उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। एक यहाँ पर सज्जन आज नहीं है, उन्होंने कहा कि आई एम फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी, कन्हैया इज माई मेंबर, ब्रदर, आई एग्री। मैडम, दिस इज अ पोस्टर विच हैज द नेम ऑफ अनफॉर्चुनेटली, एंड आई लुक एट दिस चाइल्ड एज अ चाइल्ड हु हैज बीन मोबिलाइज्ड एज अ वेपन अगेंस्ट द स्टेट। This is a child who must not have had an idea that India is not one, but who must have been infested with this thought by those who want to bear arms to overthrow this state. It bears the name of Kanhaiya Kumar, Shaila Rashid, Rama Naga, they're all members of the student union. And apart from saying, condemning the hanging of Afzal Guru, they claim it as a nervous attempt by the Congress government. And this, Madam Speaker, is a notice given on the 10th of February 2016. On the 9th night, this transpires on the campus. On the 10th, this is a pamphlet which is stuck all across with these signatures. And it says that the public meeting was also disrupted for Mahishasur Martyrdom Day. What is Mahishasur Martyrdom Day, Madam Speaker? Biduri ji, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चिल्लाने के लिए बाहर आपके पास बहुत समय है, आप बैठ जाओ। बहुत समय है आपके पास, और आपकी क्षमता भी बहुत है, आपकी आवाज की क्षमता भी बहुत है, आपकी आवाज की क्षमता भी बहुत है। सुन लीजिए, सुन लीजिए। सुनने की क्षमता रखो भैया, सुनने की क्षमता रखो, अपनी असहिष्णुता का परिचय मत दो। लेकिन 8 छात्रों के नारों के अनुसार 8000 छात्रों के विश्वविद्यालय पर कलंक लगाना, इससे बुरी बात इस देश में नहीं होती। आवर गवर्नमेंट हैज बीन अक्यूज्ड, एंड आई मिस टुडे सौगता रॉय एंड सौगता बोस इन दिस हाउस, champions of free speech, because I want to know whether they will discuss this particular topic which I am allowed to enunciate in this house on the streets of Kolkata. I dare them this. Posted on the 4th of October 2014, a statement by the SCST, OBC and minority students of JNU. And what do they condemn? An attempt, like I said, Madam Speaker, this very pamphlet on the 10th of February highlights what the communist leaders call Mahishasur Martyrdom Day. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans, they hired a sex worker called Durga, who enticed Mahishasur into marriage and killed him after 9 nights of honeymooning during sleep. Freedom of speech, ladies and gentlemen. Who wants to have this discussion on the streets of Kolkata? I want to know whether Rahul Gandhi will stand for this freedom. I want to know, for these are the students
No, they are students. What is this depraved mentality? I have no answers for it. I have no answers for it. But then I thought, is it only because many leaders say ki aap bacche hain, bacche hain, bol rahe hain, maaf karo. Ho sakta hai. But how does this depravity get seeded into the minds of our children? Unfortunately, the rows of the Congress party are empty today, Madam Speaker. I have said time and again, Siksha ko ranbhumi mat banao. मैंने बार बार इस सदन में और दूसरे में निवेदन किया हाथ जोड़कर, मेरी किसी ने नहीं सुनी। ये सरकार अध्यक्ष महोदय जो दातुराम गोडसे के उत्तराधिकारी हैं विचारधारा के, और 52 वर्ष आरएसएस के कार्यालय में झंडा नहीं लगा, एक आत्महत्या हुई और कुलपतियों की मीटिंग बुलाई गई कि 207 फुट पर भारत का झंडा फहराना चाहिए हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। क्या मजाक है अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में आपने क्या दिल्ली में अध्यक्ष महोदय अफजल गुरु के प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोही का मुकदमा, और वहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए जिस पीडीपी ने कहा कि अफजल गुरु की फांसी अन्याय है, उनके साथ हाथ मिला के वहाँ सरकार बना रहे, ये कहाँ का कथन है अध्यक्ष महोदय? जिस पूर्व की सरकार ने आतंकवादियों को सरकारी प्लेन में बैठाकर दाएं बाएं पठानकोट छोड़ने चले गए, वही मसूद अजहर जो पठानकोट का मास्टरमाइंड है, अब ये लोग हमें राष्ट्रभक्ति का उच्चारण देंगे कि हमारे बच्चे सीखते कहां से हैं? एक प्रमाण आज आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूं इस हाउस में, जो अभी मेरे डेस्क पर आया है। ये किताब है हिस्ट्री की, कक्षा 4 के बच्चों के लिए, टीचर्स रीडर। व्हाट आर आर टीचर्स टॉट। इस किताब की लेखिका है तीस्ता सेतलवार। इस किताब को कमीशन करने वाले हैं यूपीए के कपिल सिब्बल साहब, वो यूपीए जिसकी चेयरपर्सन सोनिया जी हैं। किताब में क्या लिखा है, कक्षा 4 के बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए। इन आर टेक्स्ट एंड आर सिलेबस, आई एम कोटिंग, वी कंटिन्यू टू परपेचुएट द कोलोनियल लेगेसी ऑफ पोर्ट्रेइंग एंशिएंट इंडिया एज सिनोनिमस विद हिंदू एंड मिडीवल इंडिया पास्ट विद द मुस्लिम। आई कोट फ्रॉम दिस बुक मैडम स्पीकर। अरविंद सावंत जी महाराष्ट्र से हैं, ये किताब दी गई डॉन बॉस्को माटुंगा को, स्कूल ऑफ माय कोलीग पीयूष गोयल। व्हेन वी टीच शिवाजी अकबर औरंगजेब एज रिस्पॉन्सिबल एजुकेटर एनिमेटर्स, वी नीड टू आस्क विच शिवाजी डू वी टेक इनटू द क्लासरूम। हिंदू क्रिश्चियन राइट्स इन कन्याकुमारी, how the propaganda of Hindu organizations targets Christian minorities, you are teaching this to a child in the 4th standard. This is their idea of secular education. History taught to standard 6, and I quote Madam Speaker, that the state militates against the atrocities of the Indian state. You teach a 6th standard child this. Are we shocked that when these children go to a university, they said Kashmir ki azadi tak jang ladenge? Scenario 4 on page 5. Orders issued to Delhi schools after the death of Prime Minister Indira Gandhi. Check what a trainee teacher teaching English sailed through her period. One of the words given to the children to draft a sentence was the word arrive. Of the several children who raised their hand, the one that the teacher chose to read out is a sentence, when a Sikh arrived in Delhi, he was killed by a Hindu. Scenario 2,
And the title is fascinating, calling Breeding Prejudiced Minds. This commissioned by the UPA, led by the Congress Party, given to children in the sixth standard. They are taught scenario three. Teaching of history in school boards all over Maharashtra has a single prescribed textbook on Shivaji. Teachers from the schools in Bombay have expressed great difficulty in controlling emotions. One of them has said, the schools which have an active enrollment of Muslim students. I rushed through the chapter on Afzal Khan and Shivaji's confrontation. It is a politically and socially loaded connotation. I can't meet eye to eye with my Muslim students, so I start my chapter with an apology. There are many Afzals in my class, says this teacher, teaching in class 6. I begged and I pleaded, don't make it about us and them. Our children are not vote banks. But nobody heard me. मैंने आज महोदया जिस समिति ने इन सारे किताबों का निरीक्षण किया, इन किताबों के खिलाफ उस वक्त की सरकार में एनसीईआरटी ने धावा बोलकर कहा ये किताबें मत बांटिए. एनसीईआरटी की बात को माना नहीं गया. वो एनसीईआरटी हमारी नहीं थी, हमारी सरकार की नहीं थी. जिस समिति ने इन छह के पूरी वारदात स्टडी किया, I am compelled to say one of the committee members is a Muslim vice chancellor appointed to his post as proposed by the Congress government. An income tax officer who served under the Congress government, now a Supreme Court lawyer. I did it so that I not be accused of politicizing something which should be a matter of concern for every Indian citizen, every parliamentarian. And what do those people say about the books that they read? This committee fails to understand as to what and whose purpose is this trust serving. By quoting from Pakistani authors writing pertaining to education of Indian students to an impressionable mind of a standard 6 student. This committee was enraged when the name suggested an intention and action, Allah's army in Pakistan, Hindutva hell in Hindustan.